कर भी गंगा जी का संकल्प भगवान 2020 को कर दिया तो भगवान मुस्करा के लेकर के चले गए। और जैसे सुशीला अंदर गए भक्तों, सुदामा ने पूछा ब्राह्मण गया, सुशीला कहने लगी पिया गौ तो लेकिन आज वो ब्राह्मण हमसे हमारे घर की कंगारी को संकल्प करा ले गया। मेरे भक्तों जब ये सुना तो वो ब्राह्मण कंगारी को संकल्प में डाल ले गया, तो ब्रह्म बेटा ब्राह्मण बच्चा आके जमीन पर गिर पड़ा। तो सुदामा जो है ना वो बच्चा आके भक्त जमीन पर गिर पड़ा, रोने लगा, कौन ये भगवान तू कौन होती है जगत की कंगारी को संकल्प में डाल करने वाली, तूने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, ये कंगारी किसी और की नहीं, ये कंगारी तो मेरे मित्र घनश्याम की करो। मुझसे अपने दरो तो मांगेगा तो मैं अपने मित्र को जवाब दे दूंगा। भक्तों इतना कहने के बाद वो ब्रह्म बेटा ब्राह्मण बचा था क्यों ने बोलिया भागे तूने गजब कर दिया, अब भी तूने कैसा नहीं छोड़ा जब मेरा श्याम मेरे सामने आएगा तो भला अपने कन्हैया को मुंह कैसे दूंगा। भाइयों रोने लगे, सुशीला भी बैठ करके रोने लगी, पिया माफ कर दो, भूल हो गई, भूल हो गई। आज भक्त गुरुकुल के सारे रहस्य को सुदामा ने रोते रोते अपनी भावनी सुशीला से कही। सुशीला बोली दीना नाथ जब तुम्हारे मित्र हैं तो कल्प वृक्ष के नीचे कल्पना नहीं करो हे घनश्याम, अगर मित्र हैं तो हे पिया शास्त्र एक बात कौन कहता है कि धीरज अपने आप को अपने धैर्य धर्म को परखा है, मुझे भी बड़ी बात परखा है, एक बार जाकर के अपने मित्र घनश्याम को परख लो, एक बार दोनों का दीप की भेंट कर जाओ, हे स्वामी में धन मान की इच्छा नहीं रखती, एक बार दीनानाथ के दर्शन करा। सुदामा कहने लगा आप मत कर रही तो मैं करा तो जाऊंगा लेकिन देवी मैं नहीं जा सकता। सुशीला बोली क्यों, सुदामा जी कहने लगे हे प्रिय एक बात का संकोच हो रहा है, हे संकोच अब कैसा संकोच हो रहा है? देखो किसी मित्र के घर जाओ तो कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और कुछ ना हो तो 5 सुपारी ही लेकर जाओ। शास्त्र एक बात कौन कहता है, गुरु के या मित्र के या हितु रिश्तेदार गुहारी के या जानना चाहिए तो सौगात में कुछ होना चाहिए। हमारा बड़ा दुर्भाग्य हम जाए तो जाए कैसे, हमारे पास में तो घनश्याम के लिए भेंट भी नहीं है। और भक्तों बोलो क्योंकि ब्रह्म बेटा ब्राह्मण बोला है देवी बड़ा दुर्भाग्य हमारा, मैं नहीं जाऊंगा और काम बोले I'm
सौगात नहीं है, बगैर सौगात के मैं पग दिया में नहीं भरा हुआ भर तो। सुशीला कहने लगी, स्वामी तुम चिंता न करो, मैं कल पड़ोसी से मांगे लाती हूँ। पति की आज्ञा लेकर के वो देवी चली है। भक्तो एक दरवाजे को फाटक खटखटाओ, तो पड़ोसी ने फाटक खोलो, कहो कैसे आई है। सुशीला बोली, बहन हमारे पिया दौड़ कर जाते कछु हो तो मैं सौगात के रूम में भेज के रूम में कछु ले लो, जैसे हमारे पिया बात पर सह बेटी तुम्हें उधार बचाएंगे। और भाइयों हमें जो आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हमारे दाता है, ये मेरे भगवान है, ये हमारे देश भ्राता पिता तो आदरणीय प्रात स्मरणीय पूजनीय वंदनीय मेरे देश भ्राता है आदरणीय पुजारी महाराज जी, जिन्होंने भक्तों पिता का प्यार वासन तो हमें नहीं मिला, लेकिन बिल्कुल पिता की तरह इन्होंने हमें पुत्र बनाकर के पाला है। तो इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम आप लोगों के मध्य में भागवत कह रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान शास्त्र का संगीत का संस्कार प्रेम वासन सब इस देवता ने मुझे दिया है। मैं इनके चरणों में व्यास भी से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ऐसा भाई जन्म जन्म तक हमें मिलता रहे और सदैव भाई का प्यार वासन मेरे सर पर बना। लोच रही है, सोच रही है, पहना हो अगर आज मुझे बच्चा नहीं मिली तो मेरे पिया दौड़ कर नहीं। एक बात बताऊं, पिंजरे में बंद पक्षी की वेदना को पक्षी समझता है। भाइयों गरीबी का मोल अभी कभी नहीं समझता। रोटी भाई लोच रही है, अब क्या करूं। तो इतना ही नहीं देखा उपदेश भगवान सब कुछ दे, लेकिन गरीबी तीन हजार का
अब दुखिया चक्र टूटे हुए तंग लोग को चर्चा करने लगी। अब बात तो है नहीं बहना हो दशा क्या है। धोती का चोट लिया ऊपर से पीन करके चंद काम लगती है वो धोती फंस रही है बुरी चीज कर दुपक किया पुनः लगती है ऊपर से लगती है नीचे फिर निकल जाती। आज वह दुनिया ने भाई और बच्चा घर को चौपट किया चंदनों को इकट्ठा किया तीन मुठी चंदन हो गए ला करके आ गए रोटी भाई सुशीला को पोटली बांध के देती। जाओ जीना नाम की बेट के लाना एक अंक धन मांग की इच्छा नहीं करना। मेरे भाइयों सुदामा जी लोटा छोटा जोड़ लेके चले मार्ग में सुंदर सगुन हो रहे हैं। अब देखिए दौड़ का पहुंचने के लिए दौड़ की नदी को पार करना है। अब नदी पर खड़े हो गए सुदामा जी बहना हो सोच रहे यहां तो कोई मलम नजर नहीं है तो मैं पार कैसे जाऊंगा। भगवान दौड़ का दीश ने देखा कि मित्र आ गया है तो लौट नहीं जाए सब भगवान लौट नहीं जाए सोई भगवान मना बने और नाम ले कि भगवान बापा से आ रहे हैं। सुदामा जी ने कहा ओ मला भैया इधर आओ हमें बापा जाना है। भगवान कहने लगे भैया आ रहे खड़े रहो आ रहे। भगवान ने नाम जी भक्तों बहना वो नाव किनारे से लगा दी और कह दिया भैया बैठ जाओ। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन परिचर वो ब्रह्म बेटा ब्राह्मण ने एक पग आने बढ़ाया सुदामा जी फेंक गए। भगवान जो मना बन के आए बोले भैया रुक क्यों गए। सुदामा जी आपको मैं आंसू लेकर के बोले माफ करना मला भैया अब तुम अपने नाम ले जाओ तो वापस होते क्यों भैया हम तुम्हारे नाम में नहीं बैठ सकते। भगवान कहने लगे अचानक क्या हो गया। जवाब दिया भैया शास्त्र कहता है नाई की मुड़ाई धोबी की धुलाई और नाव की उतराई देनी चाहिए मगर भैया मेरा इतना दुर्भाग्य है कि आज तेरी नाव को मेरे पास में किराव नहीं है। तो हम ब्राह्मण हैं हम बगैर किराव है तेरी नाव से व्यापार नहीं जाएंगे। सुदामा जी रोने लगे भक्तों। भगवान कहने लगे भैया बहुत अच्छा हुआ तुम पर नाव का किराव नहीं है लेकिन माफ करना हम भी एरे गेरे मना नहीं है हम तो बिना किराए के पार करते हम किसी से किराया नहीं लेते। और वास्तव में बहना हो भाइयों बदीना नाथ के घाट पर जो पहुंच जाता है मन धन दौलत किराए या रिश्वत की जरूरत नहीं पड़ती वो तो प्रेम और भाव से ही पार करता है वो किसी से किराया नहीं लेता। आज सुदामा जी को पार कराया तो सुदामा जी द्वारपाल से जाकर मिले हैं। द्वारपाल में जाकर के भगवान को अवगत कराया और कहने लगे कहिए ब्राह्मण देव अनाय प्रभु। भगवान कहने लगे क्या दशा है क्या नाम है क्या गांव है। द्वारपाल कहने लगा सुनो भगवान श्री सपगान जगातन पे प्रभु जान को आई बसो द्वारपाल मकुजबा सुनाय जी तेज सुदामा